कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम साइंस टू में एक नया लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है, यहाँ देखेंगे हम लोग स्क्रीन पे, लेसन का नाम है कक्षा 10 पाठ क्रमांक 4। लेसन का नाम है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। अब पर्यावरणीय व्यवस्थापन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पर्यावरणीय व्यवस्थापन में हम पहले पढ़ेंगे परिसंस्था, फिर पर्यावरण, फिर भोजन श्रृंखला, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण और पर्यावरण संवर्धन। तो ये आज हमारा 5 टॉपिक है, इसको हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही हमको मालूम पड़ रहा है पर्यावरणीय व्यवस्थापन, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि हमको क्या करना है, अपने पर्यावरण को व्यवस्थापन करना है, अच्छा रखना है, सुरक्षित रखना है। पर्यावरण मतलब क्या? पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास की परिस्थिति। हम जिस परिस्थिति में रहते हैं वहां के आसपास का माहौल, उस माहौल में जैविक और अजैविक दोनों घटकों पर ये निर्भर होता है, जिसे हम कहते हैं पर्यावरणीय। आगे इसमें हम पढ़ेंगे परिसंस्था का क्या तात्पर्य है, परिसंस्था के विविध घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण का क्या तात्पर्य है, पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है, भोजन श्रृंखला क्या है और भोजन श्रृंखला में विविध पोषण स्तर कौन से हैं। ये हमारे पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यही क्वेश्चन अगर हम हल कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारा पाठ का बहुत कुछ हमारा हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये आकृति देखते हैं। आकृति जैसे कि आपको दिख रही है, आकृति में क्या है? भोजन जाल। भोजन जाल मतलब होता है भोजन को खाना, जैसे एक जाल बना हुआ है, ये सब एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है सबके सब क्या है, सजीव है। ये सजीव सब एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। और ये सब एक दूसरे पे निर्भर है मतलब एक दूसरे का भोजन करते हैं, इसलिए जो जाल बनी है ना इसी को हम कहते हैं भोजन जाल। इस जाल की वजह से हमारा पर्यावरण क्या है, संतुलन है। कैसे? जैसा कि हमको आकृति में दिख रहा है सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इन वनस्पतियों पर कौन निर्भर है, टिड्डा निर्भर है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भक्षक। ये टिड्डा क्या करता है, वनस्पतियों को खाता है। फिर इस टिड्डा को मतलब कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, मेढक खाता है। जैसा कि आप एरो से देख रहे हैं मेढक क्या हो गया, मेढक एक द्वितीय भक्षक है। फिर मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। तो सांप क्या हो गया, तृतीय भक्षक हो गया। सांप को कौन खाता है, एरो देखते जाइए बच्चों, सांप को कौन खाता है, बाज, बाज भी बोल सकते हैं, चील भी बोल सकते हैं, ये सांप को खाता है, इसलिए यह हो गया सर्वोच्च भक्षक। सर्वोच्च भक्षक मतलब होता है सबसे बड़ा भक्षक यही है। बाद में क्या होता है, बाद में ये जब मर जाता है तो ये सड़ गल के इसका रूपांतरण विघटक के रूप में हो जाता है, जो कि अंतिम चित्र में दिख रहा है। और इस विघटक का रूपांतरण हो जाता है कवक और जीवाणु में। तो ये जो पूरी श्रृंखला दिख रही है आपको, ये श्रृंखला है भोजन श्रृंखला। तो सब प्राणी जितने भी यहाँ सजीव दिख रहे हैं ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। वनस्पति, वनस्पति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, इसलिए उसे सबसे पहले हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। फिर इस वनस्पति के उनको कौन खाता है, टिड्डी खाता है, इसलिए वो प्राथमिक भक्षक हो गया। इसी तरह ये भोजन श्रृंखला घूमती रहती है। अगर मैं भोजन श्रृंखला की परिभाषा दूं तो भोजन श्रृंखला की परिभाषा क्या है, प्रत्येक परिसंस्था में उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब भक्षक, भक्षक मतलब जैसे जैसे कि आकृति में दिख रहा है आपको टिड्डा, मेढक, सांप और बाज, ये सब भक्षक है। तथा विघटक, इनमें हमेशा ही क्या होती है, एक अंतः क्रिया होती है, एक अंतर मतलब एक अंदर एक क्रिया होती रहती है। इस अंतर क्रिया की कर्म को हम क्या कहते हैं, भोजन श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि ऊपर आकृति में आपको क्या दिखा है, धान की फसल जिसको हम वनस्पतियां बोलते हैं, उसको कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाता है, मेढक, मेढक को कौन खाता है, सांप, और सांप को बाज, और लास्ट में उसका विघटक होता है कवक और जीवाणु में। अगर ये भोजन श्रृंखला का स्वरूप बदल गया तो प्रकृति का क्या हो जाएगा, पूरी तरह संतुलन बिगड़ जाएगा। इस पूरी श्रृंखला को, इस पूरी भोजन श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, परिसंस्था कहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है अगला परिसंस्था। परिसंस्था मतलब क्या, किसी भी वातावरण या पर्यावरण में विद्यमान जैविक घटक और अजैविक घटक और इनमें होने वाले पारस्परिक संबंधों के कारण परिसंस्था बनती है। तो जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं, जैसा कि दिख रहा है अजैविक घटक मतलब हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता तथा नमी, ये सब अजैविक घटक है। जैविक का मतलब जिसमें जीव होता है, जैसे सभी प्रकार के सजीव, जीवाणु, कवक, वनस्पतियां, प्राणी।
ये सब क्या होते हैं? जैविक घटक। तो जो जैविक घटक और ये अजैविक घटक होता है, इनमें जो आंतर क्रिया होती है, परस्पर आंतर क्रिया, इसी को हम कहते हैं परिसंस्था। अब अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगर हम लोग पिछले पते में आएंगे तो परिसंस्था का तात्पर्य तो हमको समझ में आ गया। परिसंस्था का मतलब क्या होता है? अजैविक और जैविक घटक और उसी प्रकार उनमें परस्पर पाए जाने वाले आंतर क्रिया, ये सभी मिलकर क्या करती है? परिसंस्था का निर्माण करती है। अब अगला टॉपिक क्या है? परिसंस्था के विविध घटक कौन से? तो जैसा कि हमने देखा, परिसंस्था के निम्नलिखित चार घटक है। पहला है वनस्पतियां, जिसको हम कहते हैं उत्पादक, फिर उसके बाद प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक और तृतीय भक्षक, और अंत में आता है सर्वोच्च भक्षक। तो ये हो गए परिसंस्था के घटक। इन्हीं सभी पर पर्यावरण क्या है? निर्भर है। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण का क्या तात्पर्य है? तो जैसा कि हमको दिख रहा है, भोजन श्रृंखला हो गया, परिसंस्था हो गया। अब देखिए, परिसंस्था में परिसंस्था को दो रूपों में बांटा गया है, एक अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक। अजैविक घटक मतलब जिसमें भौतिक घटक आते हैं, और रासायनिक घटक। भौतिक घटक का मतलब हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मिट्टी एवं सूर्य प्रकाश। उसी तरह रासायनिक घटक में पोषक द्रव्य, खनिज, जिनको पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक अकार्बनिक पदार्थ और दूसरा कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। और बच्चों, कार्बनिक पदार्थों को पुनः बांटा गया प्रथिन, कार्बोहाइड्रेट और कृष्णिक पदार्थ। तो ये हो गए परिसंस्था के अजैविक घटक। अब हम पढ़ेंगे परिसंस्था के जैविक घटक। परिसंस्था का मतलब मैंने आपको बता दिया, परिसंस्था मतलब हमारे आजू बाजू में, हमारे आस पास में जो भी जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनमें जो परस्पर आंतर क्रिया पाई जाती है, उसी को हम कहते हैं परिसंस्था। अब हम पढ़ेंगे परिसंस्था के जैविक घटक। तो परिसंस्था के जैविक, जैविक मतलब जिसमें जीव होता है, स्वयंपोषी, परपोषी, इन्हें दो भागों में बांटा गया, स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी का मतलब उत्पादक और वनस्पति। उत्पादक मतलब क्या होता है? जो खुद अपना भोजन बनाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों, वनस्पतियां अपना भोजन कैसे बनाती हैं? तो सूर्य प्रकाश के सहायता से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के सहायता से अपना भोजन खुद बनाती है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक। जो कि हमने पहले ही आठवीं कक्षा में, हम लोग नौवीं कक्षा में भी हमने पढ़ा है। अब आ गया परपोषी। परपोषी मतलब जो दूसरे पर निर्भर होता है, जिसमें भक्षक होते हैं और विघटक होते हैं। भक्षक मतलब प्राणी, इसमें प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक और तृतीय भक्षक, और विघटक मतलब जीवाणु। अब इन्हीं पे हमको क्या कहते हैं? परिस्थिति। परिस्थिति मतलब विज्ञान, पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के आंतरिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम परिस्थिति कहते हैं। तो परिस्थिति क्या होती है? परिस्थिति मतलब जो जैविक और अजैविक में जो आंतर क्रिया हो रही है, उससे निर्भर जो विज्ञान होता है, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। अगला देखिए, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, विचार कीजिए, सोचिए आप। अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद इसका अनुभव होगा कि सालों साल जंगल में जो घास, पत्ते, टूटे हुए पेड़ आदि तथा गांव के परिसर में मृत जानवरों का अगर विघटन नहीं हुआ तो होता, तो उस समय क्या होता? ये क्वेश्चन अगर आप सोचोगे, विचार करोगे, तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि इतने सालों से जो जंगल में पेड़ है, घास फूस है, टूटे हुए पेड़ है, और जो जानवर मर जाते हैं, अगर ये लोग, इनका विघटन नहीं हुआ होता तो ये क्या होता? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इनका विघटन नहीं होता तो इनका एक अंबार लग जाता, एक कचड़े का मतलब जैसे कचड़ा जैसे एक अंबार लग जाता है। इससे क्या होता है? इससे प्रकृति का संतुलन क्या होता है? पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, तो हमारे जो परिसंस्था है और पर्यावरण है, वो भी क्या होती है? पूरी तरह से बिगड़ जाती है। अगर इनका विघटन नहीं हुआ होता तो इनमें जो बहुत सारे जो कचड़े होते हैं, जो इनका चक्र होता है, इनकी घटनाओं का जो चक्र होता है, वो चक्र पूरी तरह से क्या होता? रुक जाता, और पृथ्वी पे कचड़े का अंबार लग जाता, जिससे क्या होता? हमारे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता। अगला है, चर्चा कीजिए, जीवो जीवस्य जीवनम। यह एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? जीवो जीवस्य जीवनम, इसका अर्थ यह होता है कि जीव ही जीव का जीवन है, जीव ही जीव का जीवन है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे आकृति में देख सकते हैं, ये देखिए आकृति में, वनस्पति एक सजीव है जो अपना भोजन खुद बनाती है। वो उस पर निर्भर कौन है? टिड्डा। टिड्डे पे निर्भर कौन है? मेढक। मेढक भी एक जीव है, टिड्डा भी एक जीव है। मेढक पे कौन निर्भर है? सांप।
और सांप पे निर्भर कौन है? बाज। तो ये क्या एक सजीव है। तो जब एक सजीव दूसरे सजीव पर निर्भर होता है तो उसे हम कहते हैं उस उसका ये अर्थ है जीवो जीवत से जीवनम, अर्थात एक सजीव दूसरे सजीव को जीवन बनाता है, एक सजीव ही सजीव का जीवन है। आगे देख सकते हैं हम लोग परिसंस्था, जैसा कि आपको मैंने बता दिया परिसंस्था के दो घटक होते हैं, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। इनमें जो आंतर क्रिया होती है वही परिसंस्था होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। परिसंस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक घटक दूसरा रासायनिक घटक। भौतिक घटक में हवा पानी वास, क्योंकि ये भौतिक घटक की वजह से ही सजीव निर्भर होता है। अगर सजीव को हवा नहीं मिला, पानी नहीं मिला, वास खनिज नहीं मिलेगा, मृदा मतलब मिट्टी नहीं मिलेगी, सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, तो जी नहीं पाएगा। उसी तरह रासायनिक घटक में पोषक द्रव्य खनिज होते हैं, जिनको पुनः दो भागों में बांटा गया, अकार्बनिक और कार्बनिक। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे ध्यान से, क्योंकि आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। अकार्बनिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब गैस भी सजीव के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह कार्बनिक में प्रथम कार्बोज और स्नेह होता है। जैविक मतलब जिसमें जीव होता है, स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी में वनस्पतियां जिसको हम उत्पादक कहते हैं, परपोषी में प्राणी और विघटक जिसे हम भक्षक और बच्चों को जीवाणु कहते हैं। बच्चों को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक पर्यावरण, जैसा कि पाठ का नाम है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। अब आता है हमारा पर्यावरण। सजीव जिस स्थान पर निवास करता है, हम सजीव हैं, हम जहां पर रहते हैं उस निवास स्थान के आसपास के सभी घटकों को पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे आजू बाजू में जो भी जैविक और अजैविक घटक है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। अगर मैं पर्यावरण को एकदम शॉर्टकट में कहूं तो पर्यावरण का अर्थात है आसपास की परिस्थिति, हम किस परिस्थिति में रहते हैं, उसमें अनेक सजीव निर्जीव प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। आगे दिया गया है पर्यावरण में समावेश घटक, पर्यावरण में सजीव के चारों ओर तथा आसपास के परिसर में पाए जाने वाले भौतिक रासायनिक जैविक घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण को पुनः उनके दो घटक होते हैं जैविक अजैविक, तो मैंने आपको बता दिया। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो हम लोगों ने परिसंस्था भी पढ़ लिया, अब पर्यावरण भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में संबंध क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि पर्यावरण एक अत्यंत व्यापक संज्ञा है। सजीव पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक रासायनिक और जैविक घटक में इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। अगर मैं शॉर्टकट में कहूं तो पर्यावरण का मतलब होता है आसपास की परिस्थिति, उनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव निर्जीव प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटक। पर्यावरण के मुख्य दो रूप होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। आगे प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है और मानव निर्मित पर्यावरण में क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब होता है हवा वातावरण जल भूमि सजीव आदि का समावेश होता है। इनमें से जो जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं, इनमें जो सतत आंतर क्रियाएं घटना घटित होती हैं, उनमें जो परस्पर संबंध होता है वही परिसंस्था वही पर्यावरण कहलाता है। मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा जो पर्यावरण निर्मित होता है उसका प्राकृतिक पर्यावरण पर भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मूलतः अगर देखा जाए तो यह पर्यावरण पे परिस्थितिकी भी निर्भर है। परिस्थितिकी का मतलब मैंने आपको बताया था, परिस्थितिकी का मतलब होता है जैविक और अजैविक घटक, इनमें पारस्परिक संबंध करने वाले अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम परिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है, उन परिसंस्थाओं में हम लोग ने विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के गैस के बारे में भी पढ़ा है। जो पर्यावरण में जो गैस पाई जाती है उनके भी अलग अलग चक्र होते हैं, जैसे पर्यावरण में कौन कौन से गैसों के चक्र पाए जाते हैं। पर्यावरण में जल चक्र होता है, जैसा कि जल चक्र आपको मालूम है कि सूर्य के तापमान में सूर्य की रोशनी द्वारा पानी को शोषित किया जाता है, उसका बादल में रूपांतरण होता है और कुछ दिनों बाद वो बादल पानी के रूप में पुनः जमीन पर आता है, तो ये जल चक्र है। विविध गैसीय चक्र भी हैं, जैसे कार्बन चक्र नाइट्रोजन चक्र ऑक्सीजन चक्र, ऐसे अनेक प्राकृतिक चक्र नियमित रूप से शुरू रहने से हमारा जो पर्यावरण है यह संतुलन बना होता है। परिसंस्थाओं के विभिन्न कारणों की वजह से जैविक और अजैविक कारणों की वजह से हमारा पर्यावरण क्या है? एक संतुलन बना रखा हुआ है। आगे प्रकृति के अस्तित्व के बिना मानव का अस्तित्व असंभव है, इसलिए हमें
हर मानव का यह कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को क्या करें, सुरक्षित करें। इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन ना बिगाड़ते हुए उनका संवर्धन हमें करना क्या है, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि हमें अपने पूर्वजों की ओर से जो पृथ्वी हमें विरासत इस अधिकार के रूप में ना मिलकर हमें अपने आगे आने अगली पीढ़ी की ओर से कर्ज के रूप में मिली है, इसलिए अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे संभाल कर रखना चाहिए। यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, इसका हमें क्या करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। अब जैसा कि पर्यावरण पे कौन कौन से ऐसे घटक है जो प्रभाव डालते हैं, पर्यावरण पे दो घटक है, प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक मतलब जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अतिवृष्टि, बादल फटना, दावानल का मतलब होता है जंगलों में आग लगना, अकाल मतलब सूखा पड़ना, बारिश ना होना, चक्रवाती तूफान, चक्रवाती बादल और सुनामी। तो ये सब प्राकृतिक घटक है। इन अगर ये प्राकृतिक घटक में कोई भी एक घटक पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी पर जो पर्यावरण होता है उसका संतुलन पूरी तरह से क्या होता है, बिगड़ जाते हैं। ये तो प्राकृतिक घटक है जो भगवान द्वारा निर्मित होते हैं। अगला है मानव निर्मित घटक, जो मनुष्य ने पैदा किया, जो मनुष्य आए दिन हमें तकलीफ में डालता है, जंगल की कटाई, बिना कारण जंगलों की कटाई करना, हवा प्रदूषण, इतने सारे गाड़ियों का चलना, पब्लिक वाहन की जगह निजी वाहन का उपयोग करना जिससे हवा प्रदूषण हो रहा है, और ऐसे ऐसे कारखाने बन गए हैं जिसमें प्लास्टिक का निर्माण होता है और उसमें बहुत ही विषैली गैसें निकलती हैं जिससे हवा प्रदूषित होता है, जल प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी ये भी जल को प्रदूषित कर रहा है, शहरीकरण मतलब होता है गांव का रूपांतरण शहर में करना, जैसे शहरीकरण का मतलब बोल सकते हैं ये हर घर 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 की जगह बिल्डिंग बनना, औद्योगिकीकरण मतलब होता है कारखाने बनना, रास्ता, पुल, बांध, इमारतों का बनाना, और सबसे बड़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट आतंकवाद, जिसकी वजह से आज मानव निर्मित घटक से आज पर्यावरण क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए इन सभी को क्या करना चाहिए, अपने से दूर करना चाहिए। आगे पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक और कुछ मानव निर्मित घटक जो ऐसे हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, और जिसके वजह से पर्यावरण में क्या होता है, इन घटकों की वजह से असंतुलन का निर्माण होता है, और इन असंतुलनों का निर्माण हमारे जैविक घटकों पर भी पड़ता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पर्यावरण का प्रदूषित नहीं करना है। आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हो रही है। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि हम कहते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण, देखो नाम है प्रदूषण, प्र मतलब पर्यावरण और दूषण मतलब होता है दूषित करना, जो पर्यावरण को दूषित करता है उसे कहते हैं प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण उनमें से एक प्रमुख समस्या है। समान रूप से देखा जाए तो किसी भी वस्तु का या पदार्थों का दूषित होना ही प्रदूषण है। कोई भी वस्तु है या तो कोई भी पदार्थ है, अगर वो दूषित हो गया, गंदा हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण जो होता है पर्यावरणीय प्रदूषण या प्राकृतिक घटनाओं तथा मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण में होता है। हवा, पानी, जमीन आदि का भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्मों में, उसी प्रकार मानव और अन्य सजीवों के लिए घातक ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का घटित होना ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगर मैं मानव निर्मित की बात करूं तो जैसे जनसंख्या विस्फोटक, तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है पेट्रोल, डीजल, इसका क्या बिना कारण उपयोग करना, ज्यादा उपयोग करना। जैसे रास्ते में गाड़ी चलती रहती है, सिग्नल आ जाता है, फिर भी कुछ लोग गाड़ी चालू रखते हैं, तो इससे क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, एलपीजी, ये सब गैसें क्या होती है, खराब होती रहती है, तो इसका होता है अंधाधुंध उपयोग। जंगलों की कटाई करना, अनियोजित शहरीकरण करना आदि कारणों से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया परिभाषा में पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है, प्राकृतिक घटना अथवा मानव निर्मित कृति के कारण आसपास के पर्यावरण में उत्पन्न हुए अनावश्यक और अस्वीकार परिवर्तन को हम पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। इस कारण हवा, पानी, भूमि आदि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्मों का में भयानक परिवर्तन होता है।
प्रदूषण के प्रकार। मैंने बोला प्रदूषण, प्र मतलब पर्यावरण और दूषण मतलब होता है दूषित करना, गंदा करना। पर्यावरण को कौन कौन गंदा करता है? पहला हवा प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भू प्रदूषण, भू मतलब भूमि प्रदूषण जो भूमि को गंदा करता है, फिर प्रकाश प्रदूषण, फिर प्लास्टिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो इतने सारे प्रदूषण है जो पर्यावरण को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, जिससे पर्यावरण का क्या होता है, संतुलन बिगड़ता है। आकृति में आप देख सकते हैं हमारे देश में दिल्ली, उसमें घना कोहरा छाया हुआ है, प्रदूषण फैला है, गाड़ी ट्रक है, ट्रक में से गंदा धुआं निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है। और यह हवा अगर हमारे अंदर आएगी, हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर आती है, तो हमें भी तकलीफ होती है। तो यह अगर समस्या है प्रदूषण में, तीन है, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण। तो हवा क्यों प्रदूषित होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, इनके कारण क्या होता है, प्रदूषण, हवा प्रदूषित होता है। इसके स्रोत क्या है, कहाँ से निर्मित होता है? रासायनिक और तेल को शुद्धिकरण करना, जो भी रसायन होता है और या तेल होता है उसको शुद्धिकरण करना, उसके कारखाने, कपड़े के मिल से, सीमेंट से, सीमेंट से जो छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ा निकलता है, हवा की हवा में फैलता है, उसकी वजह से हवा प्रदूषण होता है। धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण मतलब होता है धातु को शुद्ध करना, उस शुद्ध करने के जो कारखाने हैं उसमें से जो हवा बाहर निकलती है उससे भी क्या होता है, हवा प्रदूषित होता है। परिणाम, इसका परिणाम क्या हो रहा है, इसका मानवीय स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव हो रहा है, गंभीर बीमारी, वनस्पतियों और प्राणियों पर विपरीत प्रभाव हो रहा है। हवा प्रदूषण के कारण कुछ कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं, कुछ कुछ ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त हो रही है, जो गायब हो रही है, और इसकी वजह से अम्लीय वर्षा हो रही है। अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा होती है जिसकी वजह से बारिश होने पर मनुष्य के ऊपर और प्राणियों के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। आगे जल प्रदूषण क्या होता है, शैवाल, विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कीटनाशक, जो कीटनाशक जो खेतों में छिड़का जाता है उसके वजह से भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। क्योंकि वो जल क्या होता है, धीरे धीरे कहाँ जाता है, नाले और नदी नाले समुद्र में जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण होने के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक मतलब होता है कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, घरों से निकलने वाला गंदा जल, कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन, खेती के उपयोग में लाने वाले कीटनाशक। जैसा कि जानते हैं किसान क्या करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं फसलों पर, और वो कीटनाशक क्या होता है, पानी में मिलने के बाद जल को प्रदूषित करता है। उसी तरह उसके परिणाम क्या है, मानव में जल जन्य रोगों की महामारी, जलीय जलचर प्राणियों की मृत्यु। तो ये सब क्या है, इसकी वजह से ही जल प्रदूषण की वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो रही है, प्राणियों की मृत्यु हो रही है, क्योंकि वही प्राणी क्या करते हैं, वही गंदा पानी पीते हैं। आगे भू प्रदूषण, भू मतलब भूमि को गंदा करना। अगर भूमि प्रदूषण हो जाएगा तो वनस्पतियां उगेंगे नहीं, पेड़ पौधे उगेंगे नहीं। भू प्रदूषण करने वाले घटक भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए खेत, कीटनाशक दवाओं के अकार्बनिक घटक, रासायनिक खादों की अत्यधिक मात्रा, भारी धातु और अन्य विषैले रसायन, इनके वजह से क्या हो रहा है, भूमि प्रदूषित हो रहा है। स्रोत, कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायन, ये भी भूमि को गंदा कर रहे हैं। घरेलू कचरा, घर से जो कचरा निकलता है उस कचरे को हम फेंक देते हैं जमीन पे, उससे भी भूमि गंदी हो रही है, खराब हो रही है। रासायनिक खाद, जैव वैद्यकीय कूड़ा मतलब होता है जो हॉस्पिटल से जो कूड़ा निकलता है, जैसे सिरिंज हो गया, मास्क हो गया, ग्लव हो गया, वो सब वैद्यकीय कूड़ा हो गया। इलेक्ट्रिक कचरा, प्लास्टिक, ये तो सबसे बड़ी प्रदूषण की बीमारी है। इलेक्ट्रिक का जो सामान निकलता है, जैसे मोबाइल की बैटरी, वायर, तार, कंप्यूटर का सामान, ये सब जो खराब हो जाते हैं तो उसको जमीन में फेंक दिया जाता है, जिससे भूमि प्रदूषण होता है, कचरा। परिणाम क्या हो रहा है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अचानक कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना, तापमान में वृद्धि होना पृथ्वी के, जमीन का तपना, वनस्पति और फसलों की वृद्धि को मंद होना, जिससे फसल नहीं हो पाती है, उनका रुक जाना, पोषक पदार्थों में कमी होना, इत्यादि गुणवत्ता में कमी आना। क्या उपाय करना चाहिए, जैसा उपाय योजना में मैंने लिखा नहीं है, हमें मालूम है हवा प्रदूषण के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। हवा प्रदूषित ना हो इसीलिए चिमनियों को, कारखानों की चिमनियों को अधिक ऊंचे पर लगाना चाहिए। गाड़ियों की बराबर मरम्मत करनी चाहिए, जिससे गंदे हवा गाड़ियों से ना निकले। जल प्रदूषण के लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी गंदे पानी है उसको एक अलग जगह इकट्ठा करके रखना चाहिए, उसको डायरेक्ट नदी नाले में नहीं फेंकना चाहिए, उसको एक उचित स्थान पे जमीन में गड्ढा करके उसको डाल देना चाहिए, ताकि जमीन क्या करो, पानी को शोषित कर ले।
भू प्रदूषण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक कचड़ा ये सब चीजें जमीन पे नहीं फेंकने चाहिए। इनका अलग से दोनों कचड़े को अलग रखना चाहिए, गीला कचरा और सूखा कचरा। तो सूखे कचड़े को हमको अलग, एक जो कचड़े गाड़ियां आती है उसमें अलग से दे देना चाहिए। वो आप लोग अपना क्या करते हैं उसका पुनर्चक्रीकरण करते हैं। हम घर में क्या करते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा को मिक्स करते हैं जिससे वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। तो ये उपाय है। अगला है रेडियो धर्मी प्रदूषण। जैसा कि मालूम है रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या होता है। रेडियो धर्मी प्रदूषण मतलब होता है ऐसा प्रदूषण जो रेडियो से निकल, मतलब जो सूर्य प्रकाश से निकलता है और जो मानव निर्मित होता है। जैसा लिखा गया रेडियो धर्मी प्रदूषण यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार का होता है। रेडियो धर्मी प्रदूषण विकिरणों के कारण बाहर आने वाले जो रेडियो धर्मी प्रदूषण होता है उसमें जो सूर्य प्रकाश से जो किरणें निकलती है जैसे अल्ट्रा वायलेट किरणें और इंफ्रारेड किरणें। ये एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य से किस प्रकार की रेडियो धर्मी किरणें निकलती हैं, तुमके नाम बताओ। तुमके नाम है अल्ट्रा वायलेट किरणें और इंफ्रारेड किरणें। ये क्या करती है, प्राकृतिक रेडियो धर्मी प्रदूषण है जो क्या करती है, प्राकृतिक को प्रदूषित करती है। मानव निर्मित में जैसे एक्सरे अणु भट्टियों में से निकलने वाले विकिरण, ये मानव निर्मित रेडियो धर्मी प्रदूषण है। विश्व में कुछ घटनाएं घटी हैं इस प्रदूषण की वजह से, इसको बोलते हैं चेर्नोबिल, विंड स्केल और 3 Mile Island। इस प्रकार की सभी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। इन घटनाओं के कारण क्या हुआ, हजारों व्यक्तियों की दीर्घ समय तक प्रभावित हुए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उनके जनुक में भी प्रभाव हो गया है। रेडियो प्रदूषण के कारण क्या क्या निर्मित होता है, क्या क्या परिणाम हमारे अंदर होते हैं। अगर हम एक्सरे को कंटिन्यू एक्सरे कराएंगे तब हमारे अंदर कैंसर संलग्न अल्सर का निर्माण हो जाएगा, कैंसर जैसी बीमारी हमें हो सकती है। शरीर के ऊतकों का विनाश हो जाएगा, जनुकीय परिवर्तन होता है हमारे जनुक में, मतलब हमारे मतलब हाइट में बच्चा छोटा हो जाता है। उसके मतलब आँख नाक जब वो पैदा होगा तो उसके आँख नाक पैर में हाथ में कोई विकलांग रूप हो सकता है, इसको बोलते हैं जनुकीय परिवर्तन। दृष्टि पे भी हानि पाएगा, या तो उसको दिखेगा नहीं या तो चीजें उसको स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होंगी, तो ये होता है उसके दृष्टि पर हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो ये सब होता है पर्यावरण पे होने वाले प्रदूषण। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ा प्रदूषण अगर जो कोई फैलाया है तो वह प्रदूषण है प्लास्टिक प्रदूषण। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि हमको प्लास्टिक से बने कपड़े की थैली या तो कागज की थैली का उपयोग करना चाहिए, और जितना हो सके उतना प्लास्टिक का क्या करना चाहिए, उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए। हम आज अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है ये कभी प्रदूषित नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता। संवर्धन मतलब होता है बचाने की, पर्यावरण बचाने की क्या जरूरत है हमें, क्यों हम पर्यावरण के बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो पर्यावरण संवर्धन की जो आवश्यकता है इसके ध्यान में रखते हुए सबसे पहले पर्यावरण संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई, और सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने स्टॉकहोम एक जगह का नाम है, जो स्टॉकहोम कहाँ पे है स्विट्जरलैंड में, वहां पे मानवीय पर्यावरण परिषद आयोजित की गई। इसमें सभी देशों के लोग आए थे और सभी देशों से एक संधि बनाई गई थी। उस संधि में ये कहा गया था कि हमें पर्यावरण को क्या करना है, प्रदूषित नहीं करना है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। इस परिषद में पहली बार पर्यावरण की समस्याओं पर चर्चा की गई, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP की स्थापना की गई। उसके बाद भारत में चौथे पंचवर्षीय योजना में पर्यावरणीय प्रश्नों पर भी चर्चा की गई। सन 1985 से पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण में कार्यक्रमों का नियोजन भी किया गया, पर्यावरण को बचाने के लिए इसका उपयोग भी लाया गया, और लोगों में क्या की गई, जागरूकता फैलाई गई। अब अगला है टॉपिक लोगों की सहभागिता। लोगों की सहभागिता मतलब हमारा तुम्हारा सहभाग, हमें तुम्हें कैसे पर्यावरण को क्या करना है, प्रदूषित होने से बचाना है, क्योंकि तो हमारा तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इसके लिए पर्यावरण संवर्धन से संबंधित कानून बनाना चाहिए, और कानून के बारे में क्या करना चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए, लोगों को बड़े पैमाने पर इसके में सहभाग होना चाहिए, प्रभावशाली क्या होना चाहिए, हमें जन आंदोलन दिलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, जन जन लोगों को बताना चाहिए कि हमें क्या करना है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है। पर्यावरण को प्रदूषित होने का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देख रहे हो तो आजकल जो हमारे देश में लागू है लॉकडाउन, इस लॉकडाउन से भी क्या हुआ है, बहुत ही पर्यावरण को क्या किया गया है, बचाया गया है। कैसे, इतने दिनों लॉकडाउन रहने की वजह से कारखाने बंद थी, गाड़ियों का आवागमन बंद था जिससे प्रदूषित हवाएं नहीं निकली, गंदी हवाएं नहीं निकली, कारखाने बंद थे जिससे गंदे हवा नहीं निकले, जिससे गंदे पानी को समुद्र में नहीं छोड़ा गया, पानी पूरी तरह साफ हो गया। पहले हमको आसमान में
मुंबई जैसे शहर में हम रहते हैं, आसमान में हमको तारे नहीं दिखते थे, इतना धुंधलापन रहता था प्रदूषित हवाओं की वजह से। हवा ऊपर, इस हवा की वजह से ऊपर एक परत जमा जम जाती थी जो हमें दिखती नहीं थी। मगर आज गाड़ियों के आवागमन के बंद होने से, लॉकडाउन की वजह से हमें पूरी तरह से तारे भी दिखते हैं, पानी भी स्वच्छ दिखता है। तो कहीं कहीं ये लॉकडाउन का बहुत बड़ा असर पर्यावरण पे पड़ा है। शिक्षा के माध्यम से भी हमें लोगों को जन जागृति देना चाहिए। बच्चों को बचपन में ही पर्यावरण संबंधित जानकारी देनी चाहिए। अभी हम तो 10वीं में आ गए, हमको मालूम है पर्यावरण क्या क्या है, हमें कैसे ऐसे बचाना है। हमें अपने छोटे बच्चों को भी बताना चाहिए। छोटे बच्चे बिना मतलब पेपर फाड़ते हैं, पेपर का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें बताना है कि पेपरों का दुरुपयोग नहीं करना है, पेपर संभाल के रखना है, उनको यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट पेपर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। यहाँ वहाँ फेंकने से क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक होता है इसको गलने में, इसका विघटक होने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो कोशिश करो कि उस रैपर को, उस चॉकलेट के रैपर को यहाँ वहां जमीन पे ना फेंके, जिससे भू प्रदूषण ना हो। आगे लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण देना है, लोगों में इसके प्रति क्या करना है, हमको रुचि बताना है, जागृति देना है कि हमें पर्यावरण को क्या करना है, दूषित नहीं करना है। आज हमारे देश के द्वारा, प्रत्येक देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे पर्यावरणीय कानून बनाए गए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पर्यावरणीय कानून, वन संवर्धन अधिनियम, वन को सुरक्षित करना है, वनों में लकड़ियों को काटना नहीं, जंगलों की लकड़ियों को काटना नहीं, हरे भरे पेड़ को काटना नहीं है। इसके लिए कानून बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया जो कि सन 1980 में पारित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति हरे भरे पेड़ को काटता है तो उसको 15 दिन की या तो 3 महीने की सजा दी जाएगी, और उससे कुछ ना कुछ उसके बदले में उसे वसूला जाएगा, 15 दिन का कारावास दिया जाएगा। अगला कानून सन 1986 में बना था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून। इस कानून के अंतर्गत हमें क्या करना है, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति, जैविक और अजैविक घटकों पे क्या करना है, कार्यवाही करना है, कार्यवाही भी करना है। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को दूषित करता है तो उस पर क्या करना है, कानून करना है। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है, या तो दंड का अधिकार होता है, उसको पाया जाता है पर्यावरण को दूषित करते समय, तो उसके लिए उसे 5 वर्ष का कारावास दिया जाता है, या तो 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड उनसे मांगा जाता है। अगर कोई व्यक्ति कारखाना चला रहा है, कारखाने में चिमनियों को ऊपर नहीं रखा है, चिमनियों को नीचे रखा है, और उसके गंदे पानी को बिना कारण ही समुद्र में या तो नदी नाले में फेंक रहा है, तो उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा, और दंड के लिए उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इतना कठोर कानून बनाया गया है। वन्य जीव संरक्षण कानून, इस कानून के अंतर्गत हमें कभी भी किसी भी जंगल के वन्य जीव को मारना नहीं है। इसके अंतर्गत एक संरक्षण मतलब एक सुरक्षा का कानून बनाया गया जो सन 1972 में बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत दुर्लभ प्राणियों को का व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। कुछ ऐसे वन्य प्राणी हो जिनके चमड़ों से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है, जिसके वजह से उस चमड़ों से बनने वाली वस्तुओं पर क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता तो उससे उचित कार्रवाई और किसी भी प्रकार का कारावास, दंड देने की का कानून बनाया गया था। जैव वैद्यकीय कचरा, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, जैव वैद्यकीय कचरा मतलब कैसा कचरा, यह वह कचरा होता है जो हमें मेडिकल से, हॉस्पिटल से, दवा खाने से, जो हमको जो कचरा निकलता है, जैसे पुराने एक्सपायरी डेट वाले दवाइयाँ, ग्लव, मास्क, जो भी आजकल मास्क हम पहनते हैं, मास्क तो हम पहन रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो जब वो कोई शल्य शल्य क्रिया करता है तो शल्य क्रिया करते समय वो मास्क पहनता है, ग्लव पहनता है, उसको यहाँ वहाँ फेंकना नहीं, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखना है। गाड़ी आती है, गाड़ियाँ ले जाती है, यहाँ वहाँ फेंकने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो उसके लिए भी सन 1998 में कानून बनाया गया था। इस कानून को ना मानने वाले डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर उचित कार्रवाई की जाती है, और या तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। ध्वनि प्रदूषण सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे बड़ा प्रदूषण है। आज त्योहारों में और बिना मतलब घरों में, आजू बाजू में, हॉस्पिटलों के आजू बाजू में, स्कूलों के आजू बाजू में ध्वनि को बजाना नहीं है, इससे प्रदूषण फैलता है। बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, हॉस्पिटलों में रहने वाले जो मरीज रहते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर का या तो हार्ट अटैक का इलाज चलते रहता है, उनके लिए भी ध्वनि प्रदूषण बहुत हानिकारक होता है। जिसके अंतर्गत कानून बनाया गया सन 2000 में। इस कानून को तोड़ने वाले व्यक्ति को उचित दंड और उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। ई कचरा अधिनियम, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से निर्मित होने वाला कचरा, उसके लिए भी कानून बनाया गया। जो कानून क्या किया गया सन 2011 में बनाया गया था।
इस कानून के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला कारखाना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जैसे तार, वायर, मोबाइल, खराब मोबाइल, बैटरी, स्पीकर, कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स, कुछ भी, अगर ये कोई भी कचरा अगर वो जमीन पे फेंकता हो, जब जमीन प्रदूषित होती है, तो उसके लिए सन 2011 में कानून बनाया गया था। तो इस कानून के अंतर्गत इन सभी चीजों की वजह से हमें क्या करना है, अपने पर्यावरण को, ये सब कानून इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने पर्यावरण का क्या करें, बचाव कर सके। अब आता है अगला लास्ट टॉपिक, पर्यावरण संबंधन हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सामाजिक मतलब होते हैं पूरे समाज की जिम्मेदारी है। पर्यावरण तथा मानव के संबंध का जो संबंध है, या मानव के अस्तित्व के समय से ही चलता आ रहा है। ये जो पर्यावरण है और ये जो मानव है, इनके बीच में जो संबंध है, कि जब से मानव पैदा हुआ है, जब से मनुष्य ने जन्म लिया है, तब से मानव के अस्तित्व से ही पर्यावरण का समस्या आई है। पर्यावरण से ही मानव ने ही प्राकृतिक साधन संपदा और अपरिमित उपयोग किया। जो मानव है उसने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग किया। स्वयं की प्रगति के लिए तथा विकास के लिए प्राकृतिक पर्यावरण का क्या किया, उन्होंने विनाश किया, और इससे से क्या हो गई, पर्यावरण समस्याएं बढ़ती गई। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम क्या करें, उनका कम से कम उपयोग करें, और जितना हो सके हमें क्या करना है, उन सब चीज उनको उपयोग करने से बचाना है और उनको प्रदूषित होने से बचाना है। मानव ने अपनी बुद्धिमता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग किया है, जिसकी वजह से भी पर्यावरण का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी होती है, हमारी यह सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हमें इसका उपयोग कम करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, बिना मतलब लाउड स्पीकरों में गाना नहीं बजाना चाहिए अस्पतालों और स्कूलों के पास। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ियां चलाते रहते हैं बिना कारण, उसमें हॉर्न बजाते हैं जोर जोर से, वो भी नहीं बजाना चाहिए। इसके लिए भी सरकार ने कानून लाया था, उसका एक लिमिट रखा था कि इतने से ज्यादा हॉर्न की आवाज नहीं होनी चाहिए। गाड़ियों पे सिग्नलों पे जब गाड़ियां रुकी रहती है, तो हमें बिना मतलब गाड़ियों को चालू नहीं रखना चाहिए, जिससे उसमें से गंदी हवा, प्रदूषित हवाएं ना निकले, जिससे पर्यावरण क्या रहे, दूषित ना हो। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना ही मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर मानव का, हमारा, आपका, सबका एक कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को संतुलन बनाए रखें। बिना कारण कचरे यहाँ वहां ना फेंके, बिना कारण प्लास्टिक का उपयोग ना करें, बिना कारण प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का भी उपयोग ना करें, जितना हो सके कम से कम उपयोग करें, और हो सके तो उसका क्या करें, हम लोग पुनः उपयोग करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए लाते हैं घर में, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि बोतल को सीधा डब्बे में डाल देते हैं। नहीं, उस बोतल का उपयोग हम कर सकते हैं, उस बोतल को आधा काट दो, आधा जो पार्ट बचता है उसमें हम लोग कुछ पेन वेन भी रख सकते हैं, अपना उपयोगी सामान, जैसे घर में टूथब्रश रख सकते हैं, और कॉपी पढ़ने के लिए पेन पेंसिल भी रख सकते हैं, रबर स्केल भी रख सकते हैं। अगर हम घर में हैं तो ऐसा नहीं कि हम स्कूल में ले जाए, घर में भी रख सकते हैं। कुछ बच्चे लोग स्कूल में भी क्या करते हैं, उन प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए अपने स्कूलों में अलग अलग जगह उसको बांध देते हैं, ताकि उसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें रखें, कुछ भी काम आने के लिए हमको उसमें से निकालने में आसानी हो, मिल सके। कुछ लोग क्या करते हैं, उस प्लास्टिक की बोतल के ऊपर अलग अलग पेपर के डिजाइन बना लेते हैं, उसको अच्छे से कवर करके एक अच्छा रूप देते हैं, और उसका उपयोग क्या करते हैं, घर में सामान रखने के लिए करते हैं। तो ये होता है पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना। आगे होता है, मानव ने पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने का काम किया है, इसलिए संवर्धन का काम भी मानव का ही है। मनुष्य ने ही ये पर्यावरणीय समस्याएं पैदा की है, इसलिए मनुष्य का ही ये कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि वो क्या करे, पर्यावरण को संतुलन होने से बचाए, और पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, पर्यावरण का संतुलन क्या करे, बना के रखे। और पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रदूषण ना फैलाना। प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण, सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक, जितने हो सके कम से कम प्लास्टिक उपयोग करें, यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यही, इसी का उपयोग करके हम पर्यावरण का संवर्धन कर सकते हैं और पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और इसमें ये अकेले एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, ये सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है, सभी सजीवों का कर्तव्य है कि उसको क्या करें, संवर्धन करें। इसमें लोगों का सहभाग होना जरूरी है, लोगों को मैसेज पहुंचाओ, लोगों में जन जागृति लाओ। इसीलिए इस टॉपिक में आज सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है। जैसा कि आपको मालूम है, सन 2005 में मुंबई में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिससे बहुत हानि हुई थी, और जब उस बाढ़ का कारण ढूंढा गया, उसका सबसे बड़ा कारण निकला प्लास्टिक प्रदूषण। इतनी प्लास्टिक ही हो चुकी थी ना, कि पानी इतना भर गया था ना, कि नदी नाले से पानी जा ही नहीं रहा था, क्योंकि प्लास्टिक क्या कर रही थी, उसको रुकावट कर रही थी।
थर्माकोल का उपयोग नहीं करना चाहिए, जितना हो सके थर्माकोल का उपयोग करो ही मत, क्योंकि थर्माकोल एक ऐसा वस्तु है जिसको जिसका विघटक होने में लाखों वर्ष लगते हैं, लाखों मतलब 1-2 लाख नहीं 10 लाख वर्ष लगते हैं, इससे जल्दी वो विघटक होता ही नहीं, इसलिए जितना हो सके थर्माकोल का उपयोग मत करो, प्लास्टिक का उपयोग मत करो। तो ये ऐसी जन जागृति है जो लोगों में आनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण क्या कर सकते हैं, हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो ये सारे कानून बनाए गए हैं जो लिखा गया नीचे, मैंने आपको सब बता दिया। कानून को अगर जो भी कोई मानेगा नहीं, उस कानून को प्रति उसके प्रति इसके लिए सरकार ने अलग अलग दंड और अलग अलग जुर्माना भी रखा है। ये सब कानून के वर्ड आप याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून कब पारित किया गया, तो आपको याद रखना है 1986 में। ई कचरा अधिनियम कब लाया गया, 2011 में। इसी से बचाने के लिए आपको मालूम है सरकार ने एक ऐसा दिन है, उस दिन का नाम है 22 मई। 22 मई एक ऐसा दिन है जिसमें सरकार ने पर्यावरण दिवस मनाया है, मतलब इस दिन हमको वृक्षारोपण करना है। हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट, पर्यावरण को प्रदूषित होने से होने के लिए हमें क्या करना है, जो मानव ने सबसे बड़ा प्रदूषण कहाँ से किया है, जंगल की कटाई से। तो हमें क्या करना है, जंगल की कटाई को रोकना है और साथ ही साथ ना वृक्षारोपण पे ज्यादा ध्यान देना। सड़क पर हम जब जाते हैं तो आप देखोगे दोनों बाजू में गाड़ियां चलती है, उसके बीच में एक पिलर होता है, उसमें बहुत सारे पेड़ छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, इसलिए उगाए जाते हैं ताकि गाड़ियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, वनस्पति अपने अंदर शोषित कर ले और जिससे हवा प्रदूषित ना हो। अगर इस हवा में पर्यावरण में प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा, हवा प्रदूषण, तब क्या होगा, तब तापमान बढ़ जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिससे अकारण ही पर्यावरण का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये रहा आपका पर्यावरणीय व्यवस्थापन का, इसमें हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया है एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। परिसंस्था का क्या तात्पर्य है, परिसंस्था के विविध घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण का क्या तात्पर्य है, पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है, तो मैंने आपको बता दिया। इसमें जैविक और अजैविक होते हैं, जैविक में सजीव प्राणी वनस्पतियां कवक जीवाणु होते हैं और अजैविक में भूमि हवा तापमान वातावरण ये सब होते हैं। भोजन श्रृंखला हो गया, भोजन श्रृंखला में विविध स्तर कौन कौन से, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा हमारा आज पाठ का इतना टॉपिक, परिसंस्था, पर्यावरण, भोजन श्रृंखला, पर्यावरणीय प्रदूषण और पर्यावरण संवर्धन, संवर्धन मंत्र। तो आपका आज का इतना ही टॉपिक खत्म होता है। अब किसी भी बच्चों को कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो वह पूछ सकते हैं। हाँ धीरे सर, हुआ ना बच्चों को मैं क्वेश्चन। हाँ सर, सभ्य गुप्ता पूछो। पूछो बेटा, माइक चालू करो सभ्य। सर। हाँ बेटा बोलो। सर बोलो। सर ये पर्यावरणीय संवर्धन कैसे, समझ में नहीं आया सर थोड़ा। बेटा पर्यावरणीय संवर्धन लास्ट टॉपिक। हाँ बेटा, पर्यावरणीय संवर्धन का मतलब होता है पर्यावरण को बचाना। कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, इसी का मतलब होता है पर्यावरण संवर्धन। तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण का बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए, हमें प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, लोगों में जन जागृति फैलाना चाहिए, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उसमें से गंदा पदार्थ जो निकलता है उस पर रोक लगानी चाहिए। और हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो कर्तव्य है कि हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए,